हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोटर प्लैनेट। आज हम आपके लाए एक एक्साइटिंग प्रोडक्ट, और ये जो एक्साइटिंग प्रोडक्ट है वो है एक सब कॉम्पैक्ट बेस्ड क्रॉसओवर एसयूवी। और ये जो सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर बेस्ड एसयूवी है वो एक लग्जूरियस एसयूवी है जिसका नाम है द मिनी कंट्रीमैन। और ये जो कंट्रीमैन है वो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुई है, आई एम श्योर आपको पता होगा। तो 2021 कंट्रीमैन में क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम आपको बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। 2021 मिनी कंट्रीमैन आपको टू वेरिएंट्स ऑफर करती है। एक जो वेरिएंट है वो है इसका कूपर एस वेरिएंट, जो कि इसका एंट्री लेवल वेरिएंट है, एंड दूसरा जो वेरिएंट है इसका वो है इसका JCW इंस्पायर्ड वेरिएंट, जो कि इसका टॉप वेरिएंट है। और इन दोनों ही वेरिएंट्स की आप एक्चुअल कॉस्ट अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज जो हमारे पास वेरिएंट है इसका वो है इसका JCW इंस्पायर्ड वेरिएंट, एंड इन दोनों ही वेरिएंट्स के इंजन स्पेसिफिकेशन देखने के बाद आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इनके इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस है वो है इनके ट्रांसमिशन में, जहां कूपर एस वेरिएंट आपको ऑफर करता है 7-speed का डबल क्लच स्टेप्टोनिक ट्रांसमिशन, वही JCW इंस्पायर्ड वेरिएंट आपको ऑफर करता है 7-speed का डबल क्लच स्टेप्टोनिक स्पोर्ट ट्रांसमिशन। अब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि मिनी जो ब्रांड है वो एक सब ब्रांड है BMW ग्रुप का। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको जो क्वालिटीज मिलेंगी वो ऑलमोस्ट आपको 90% जो है वो BMW वाली ही मिलने वाली है, यानी कि BMW जैसा कम्फर्ट, बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स एंड इंजन। तो 10% जो चेंजेस है वो क्या है, वो है इसका डिजाइन। इसका डिजाइन जो है वो बिल्कुल ही यूनिक है, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, एंड मिनी जैसा डिजाइन लैंग्वेज जो है वो आपको शायद ही किसी और कार में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले गाइस स्टार्टिंग जो करेंगे हम इसकी वो करेंगे इसकी कीज से। तो कीज आपको कुछ इस टाइप की मिलती है इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर अनलॉक बटन, नीचे आपको मिलता है बूट को एक्सेस करने का बटन, एंड यहाँ मिडिल में आपको दिया है मिनी का लोगो। अब हम क्विकली एक काम करते हैं, इसके इंजन बे को ओपन करते हैं और चेकआउट करते हैं कि इसमें आपको कौन सा इंजन दिया है। तो गाइस इंडिया की बात, आपको मिनी कंट्रीमैन में काफी सारे इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, और आपको पेट्रोल प्लगइन हाइब्रिड भी मिलता है। बट इंडिया में जो आपको इंजन मिलता है वो सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन आपको मिलता है, जो है 2 लीटर का B48 इंजन। अब B48 जो इंजन है वो BMW का ट्विन टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है, जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 190 bhp ऑफ पावर एंड 280 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब ये जो एग्जैक्टली सेम इंजन है वो आपको BMW की X1 में भी मिलता है, और आपको यही सेम इंजन BMW की 2 सीरीज ग्रैंड कूपे में भी मिलता है, जिस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है। बस डिफरेंस इतना है कि 2 सीरीज में आपको 8-speed का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, एंड इसमें आपको 7-speed का मिलता है। सो गाइस अब हमने चेकआउट कर लिया इसका इंजन, और अब हम देखते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। बात करेगा इसकी फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट में यहाँ पे आपको मिलती है इसकी फुल LED हेडलैम्प्स, जिसमें आपको बीच में दिया गया है स्क्वायर शेप्ड की प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जो कि इससे पहले जो मिनी आती थी 2020 वाली उसमें आपको ये जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स थे वो थोड़े सर्कुलर शेप में आते थे, बट अब इन्हें स्क्वायरिश लुक दे दिया है। थोड़ा आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे इसके LED फॉग लैंप्स, जो कि काफी ज्यादा शार्प लगते हैं जब हम इसे ऑन करेंगे, और LED लाइट्स और फॉग लैंप्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही दूर से भी विजिबल हो जाता है। थोड़ा साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलती है इसकी हॉर्न ग्रिल, जिसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं 2021 में। और यहाँ पे आप ग्रिल के ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे एस की बैजिंग मिलती है, इधर आपको मिलता है मिनी का लोगो, और बोनेट को अगर आप देखेंगे तो बोनेट में आपको स्ट्राइप्स मिल रही हैं 2, जो कि थोड़े से रेसिंग टाइप की प्रोफाइल ऑफर करती है। अब नीचे यहाँ पे फॉग लैंप्स के साइड में आपको एयर कर्टेन्स भी मिलते हैं, और ये जो BMW इंस्पायर्ड एयर कर्टेन्स है वो फेक एयर कर्टेन्स नहीं है, वो बिल्कुल रियल एयर कर्टेन्स है। ये तो बात हुई इसके फ्रंट प्रोफाइल की, अब हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं इसका साइड प्रोफाइल। तो साइड में गाइस जो चीज सबसे पहले आप नोटिस करेंगे वो करेंगे इसके 18 इंच के अलॉय व्हील्स को, और अलॉय व्हील्स के बीच में आपको जो लोगो मिलता है वो मिलता है जॉन कूपर वर्क्स का, जो कि बताता है कि ये जो वेरिएंट है वो है JCW इंस्पायर्ड वेरिएंट। डिस्क ब्रेक्स की बात करें तो आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही इसके डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। बाकी टायर की डायमेंशन अगर देखें तो टायर की डायमेंशन है इसकी 225/50R18।
थोड़ा साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको अगेन एस की बैजिंग मिलेगी और नीचे आपको मिलेगा उसके टर्न इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स है, इसका मतलब आपको ORVMs पे टर्न इंडिकेटर्स नहीं दिए गए हैं। ORVMs आपको मिलते हैं इसके सर्कुलर शेप में, जिसको दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिशिंग। और ये जो ORVMs का सर्कुलर शेप है वो मिनी के डिजाइन को कैरी फॉरवर्ड करता है। ORVMs के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं जिन्हें क्रोम से फिनिशिंग दी गई है, और उसके ऊपर आपको मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो मिनी कंट्रीमैन आपको ऑफर करती है 150mm का ग्राउंड क्लियरेंस। रूफ पे आपको यूजेबल रूफ रेल्स एंड शार्क फिन एंटीना भी मिलेगा। अब गाइस मिनी कंट्रीमैन जो बेस्ड है वो बेस्ड है BMW के UKL2 प्लेटफॉर्म पे, और ये जो UKL2 प्लेटफॉर्म है वो आपको BMW X1 में भी मिलता है, और BMW की 2 सीरीज भी इसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। एंड ये जो UKL2 प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव कार्स में आता है। इसका मतलब ये जो कार है मिनी कंट्रीमैन वो भी आपको फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ मिलती है। कलर ऑप्शन देखें तो ये जो कलर ऑप्शन है वो है सेज ग्रीन कलर। एंड ये कलर ऑप्शन आपको कैसा लग रहा है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड तब तक के लिए हम चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल में। तो बात करें अगर इसके रियर प्रोफाइल की तो रियर में आपको मिलती है इसकी टेल लैंप्स जो कि फुल LED टेल लैंप्स है, और उसके ऊपर साइड में किए गए क्रोम से गार्निशिंग। थोड़ा लेफ्ट साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर एस की बैजिंग मिलती है, और नीचे आपको बड़ा सा कंट्रीमैन की बैजिंग मिलती है। इधर आपको मिलेगा मिडिल में मिनी का लोगो। थोड़ा नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो एग्जॉस्ट मिलते हैं वो दो मिलते हैं। बम्पर पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, और इधर आपको मिलेगा मिनी के लोगो के नीचे एक रिवर्स पार्किंग कैमरा। तो आप क्विकली इसके बूट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि आपको मिनी कंट्रीमैन में कितना बूट स्पेस मिलता है। तो ये रहा गाइस मिनी कंट्रीमैन का बूट स्पेस, और इसमें आपको मिलता है 450 लीटर्स का बूट स्पेस। एंड ये जो टेल गेट है वो इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, यहाँ से बटन को प्रेस करके आप इसे क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस एक चीज और यहाँ पे बहुत अच्छी है, वो है कि यहाँ पे आपको कोई भी लोडिंग लिप नहीं मिलता, यानी कि आप डायरेक्टली अपने यहाँ पे सामान को पिक करके आराम से यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं और इसके बूट स्पेस के मजे उठा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको यहाँ पे चेकआउट कराना चाहता हूँ मिनी कंट्रीमैन की। तो गाइस मिनी कंट्रीमैन में आपको पिकनिक बेंच का भी ऑप्शन अवेलेबल है जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये पिकनिक बेंच का आप यूज कर सकते हैं जब आप अपनी हॉलीडेज पे जाते हैं और कार को अपनी पार्क करके किसी भी प्लेस में आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी बैठा हुआ हूँ। और सबसे मजे की बात तो ये कि इस पिकनिक ट्रे को बाहर निकालना भी इजी है और अंदर प्लेस करना भी काफी इजी है, जो कि मैं आपको एक बार चेकआउट कराता हूँ। यहाँ से हमने इसकी उठाई और ये आराम से यहाँ पे प्लेस हो चुकी है इसकी पिकनिक ट्रे। साथ ही साथ ऊपर आप देखेंगे इसके टेल गेट में तो आपको यहाँ पे मिलेगी इसकी टूल किट जो कि यहाँ पे प्लेस की गई है। इधर आपको BMW का लोगो दिख रहा है इसमें। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी इसकी फर्स्ट एड किट, और उसमें भी आपको BMW और मिनी का लोगो दिखता है। बाकी बात करें इसके स्पेयर व्हील की तो स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे मिलता है इसका नीचे साइड, और ये जो स्पेयर व्हील है वो आपको मिलता है 17 इंचेस का। अब हम क्विकली एक काम करते हैं इसके बूट को क्लोज करते हैं और चेकआउट करते हैं इसके अंदर जाके। वन प्रेस से आप बूट को क्लोज कर सकते हैं इसके। ओके सो गाइस अब हम आ गए हैं मिनी कंट्रीमैन के इंटीरियर में, और जो चीज आप यहाँ पे एंटर होते ही फील करेंगे वो करेंगे इसके कंफर्टेबल और लग्जूरियस कैबिन को। अब यहाँ पे अपॉल्सी देखेंगे तो आपको अपॉल्सी जो मिल रही है वो JCW में मिल रही है ब्राउन कलर की। साथ ही साथ बात करें अगर इसके लेगरूम की तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि मेरी जो हाइट है वो है 5 feet 9 inches, और मुझे यहाँ पे जो लेगरूम मिल रहा है वो काफी अच्छा खासा मिल रहा है। स्कूप डाउट सीट बैग यहाँ पे आपको मिलती है, और उसमें आपको मिलता है यहाँ पे मैगजीन होल्डर। अब क्योंकि ये एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर बेस्ड SUV है और बॉक्सी डिजाइन है इसका, तो इस वजह से इसके जो हेडरूम है आपको यहाँ पे काफी अच्छा खासा मिलता है, यानी कि अगर आपकी हाइट 6 feet भी होगी तब भी आपको यहाँ पे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड बात करें अगर इसके अंडर थाई सपोर्ट की तो अंडर थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बात करें अगर इसके शोल्डर रूम की तो शोल्डर रूम जो है वो आपको मिनी कंट्रीमैन में अच्छा खासा मिलता है, बट यहाँ पे आप नीचे नोटिस करेंगे कि आपको यहाँ पे एक ट्रांसमिशन टनल देखने को मिल रही है, तो मुझे हो सकता है अपने लेग्स को प्लेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट मैं अपनी लेग्स को यहाँ पे फ्रंट सीट के नीचे प्लेस कर सकता हूँ और लॉन्ग ट्रिप्स पे आराम से जा सकता हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पर रियर AC वेंट्स भी मिल रहे हैं। बात करें अगर इसके डोर लॉक्स की तो डोर लॉक्स में आपको यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग दी गई है, और यहाँ पे आपको दिए गए हैं इसके पावर विंडोज के कंट्रोल्स जिन्हें अगेन यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग दी गई है। नीचे आप देखेंगे तो आप यहाँ पे अपनी 1 लीटर की बॉटल को आराम से प्लेस कर सकते हैं। इधर आपको डोर हैंडल्स मिलता है इसका, और इसकी ब्राउन कलर की जो अपॉजिटी है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। एंड क्योंकि गाइस आपको यहाँ पे सनरूफ भी मिल रही है, इस वजह से आपको यहाँ पे बैठने में बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील होगा। इनफैक्ट अब मैं जब इसकी सनरूफ को ओपन करूंगा यहाँ से
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट जो है वो काफी अच्छी कैबिन में एंटर कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता। तो ये थी मिनी कंट्रीमैन की रियर सीट का एक्सपीरियंस। अब हम एक काम करते हैं, क्विकली इसकी फ्रंट सीट पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको इसके क्या क्या चीजें इसकी फ्रंट कॉकपिट में आपको देखने को मिलता है। ओके सो गाइस, अब हम चेकआउट करते हैं इसके बाकी फीचर्स को। तो अभी क्या है, बाहर का टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा है, इस वजह से हमने इसकी एसी को ऑन किया है, तो हो सकता है आपको थोड़ी नॉइज आए इसकी एसी की। तो ये मिलता है आपको मिनी कंट्रीमैन का स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके क्रूज कंट्रोल्स के बटन्स, और इधर आपको मिलते हैं इसके स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स। बीच में आपको दिया गया मिनी का लोगो, और चूंकि ये JCW इंस्पायर्ड वेरिएंट है तो इस वजह से आपको यहाँ पे मिलेगी जॉन कूपर वर्क्स की बैजिंग। अगर स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे इधर से आप इसके स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एंड जब आप इसके स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट करेंगे तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इसमें आपको टेलीस्कोपिक और टिल्ट स्टीयरिंग व्हील आपको पहले तो मिलता है, बट जैसे आप इसको टिल्ट करते हैं तो इसका जो MID है वो भी साथ में यहाँ पे टिल्ट होगा इसका। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है इसका हेडअप डिस्प्ले जो कि है 5.5 इंच का। स्टीयरिंग के पीछे देखिए तो आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स का भी ऑप्शन दिया गया है, ये प्लस जिससे आप इसे अप शिफ्ट कर सकते हैं, और ये जो है माइनस जिससे आप इसे डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट की बात करें तो एंटरटेनमेंट के लिए आपको यहाँ पे मिलता है 8.8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलेगा। नीचे आपको मिलते हैं इसके AC की कंट्रोल्स जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम नीचे चेकआउट करेंगे तो एयरक्राफ्ट स्टाइल में टॉगल स्विचेस यहाँ पे दिए गए हैं। ये जो रेड कलर का बटन है वो है स्टार्ट इंजन स्टॉप का बटन, और यहाँ से आप इसके स्पोर्ट मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलती है एस्ट्रे, और ये जो एस्ट्रे है वो डिटैचेबल है, जिसे आप आराम से अपने घर पे भी ले जा सकते हैं। ये आपको कीज रखी गई है हमने यहाँ पे, जो कि हमने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, कुछ इस टाइप की आपको इसमें कीज मिलती है। अब ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको मिनी कंट्रीमैन में स्टैंडर्ड जो ट्रांसमिशन मिलता है वो मिलता है 7 स्पीड का डुअल क्लच ट्रांसमिशन, बट ये जो JCW वेरिएंट है हमारे पास जॉन कूपर वर्क्स, उसमें आपको 7 स्पीड का डबल क्लच स्पोर्ट ट्रांसमिशन मिलता है। तो डिफरेंस इतना है कि JCW में जो आपको ट्रांसमिशन मिलता है वो बेसिकली थोड़ा सा क्विक है इसके जो स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको ट्रांसमिशन मिलता है उससे, जैसे कि आप इसके नाम से ही पहचान सकते हैं स्पोर्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। एंड ये जो बटन है ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप इसे इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। इधर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलेगा, इसका आर्मरेस्ट आपको कुछ इस टाइप की मिलती है यहाँ पे, और उसमें दिया गया है वायरलेस मोबाइल चार्जर, जिसमें आप यहाँ पे अपने मोबाइल को प्लेस कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी वायरलेस चार्जिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स है, जिसमें आप अपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर कर पाएंगे। बात करें अगर इसके डैशबोर्ड की तो डैशबोर्ड आपको यहाँ पे सॉफ्ट लेदर वाला मिलता है, जो कि इसे काफी ज्यादा प्रीमियम टच दे रहा है। को ड्राइवर साइड में आपको एक वैनिटी मिरर मिलेगा और उसमें यहाँ पे लाइट्स मिलेंगी आपको। ड्राइवर साइड में भी आपको एक वैनिटी मिरर मिलेगा और उसमें भी आपको लाइट्स मिलेंगी। ये जो है ये कैबिन की लाइट्स आपको मिल रही है इसमें, अगेन इनको भी एयरक्राफ्ट स्टाइल में टॉगल स्विचेस दिए गए हैं। बाकी सनरूफ की बात करें तो सनरूफ आपको ये सन ब्लाइंड जो है वो आपको मैनुअली यहाँ पे हटाना पड़ेगा पीछे की साइड, और इसमें आपको यहाँ से बटन को प्रेस करके यहाँ से हमने इसकी सनरूफ को ओपन कर दिया है। तो अब हम इसे क्लोज कर देते हैं क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा है। बात करें गाइस इसके कंफर्ट की, तो फ्रंट सीट का कंफर्ट जो है वो काफी अच्छा है, बट अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ से चाहे तो इसके अंडर थाई सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो गाइस ये था मिनी कंट्रीमैन के JCW इंस्पायर्ड वेरिएंट का एक छोटा सा वॉक अराउंड। अब आपको ये कार कैसी लगी आप हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपको इस कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो हमने इसके जो डीलरशिप का जो नंबर है वो इस अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके इस कार के बारे में कैसी भी डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।